नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में देखते हैं बेगम अख्तर जी के बारे में। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 7 अक्टूबर 1914 में जन्मी बेगम अख्तर का बचपन के दिनों से ही संगीत की ओर रुझान था। वह पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। उनके परिवार वाले उनकी इस इच्छा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके चाचा ने बेगम अख्तर के संगीत के प्रति लगाव को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सारंगी के उस्ताद इमाम खान और अता मोहम्मद खान से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद खान, अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। आरंभिक जीवन बचपन के दिनों में उस्ताद मोहम्मद खान और बेगम अख्तर के बीच ऐसी घटना हुई कि बेगम अख्तर ने गाना सीखने से मना कर दिया। उन दिनों बेगम अख्तर सही सुर नहीं लगा पाती थी। उनके गुरु ने उन्हें इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वह नहीं सीख पाई तो उन्हें डांट दिया। इसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीखूंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बस इतने में हार मान ली तुमने? नहीं बिट्टो, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने फिर से रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए। 30 के दशक में बेगम अख्तर पारसी थिएटर से जुड़ गई। नाटकों में काम करने के कारण उनकी रियाज छूट गया, जिससे उनके गुरु मोहम्मद आता खान काफ़ी नाराज हुए और कहा, जब तक तुम नाटक में काम करना नहीं छोड़ती मैं तुम्हें गाना नहीं सिखाऊंगा। उनकी इस बात पर बेगम अख्तर ने कहा, आप सिर्फ एक बार मेरा नाटक देखने किए गए 3 गानों का फिल्म रोटी से हटाया दिया गया। बाद में उनके इन्हीं गानों को ग्रामोफोन डिस्क ने जारी किया। कुछ दिन के बाद बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचौंध कुछ अजीब सी लगने लगी और वह लखनऊ वापस चले गई। तो आज इतना काफ़ी है दोस्तों, मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।